हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ सभी लोग अच्छे हो। तो आज हम आपके लिए न्यू गवर्नमेंट जॉब का नोटिफिकेशन लेकर आए। सो यहाँ पर आप लोग देख ही सकते हैं, आपका जो इंडियन एयरफोर्स के द्वारा आज फिर से आपका जो न्यू वैकेंसी जो जारी हो गया है। सो उसके वजह से बेसिस में आपको मैं शेयर करना चाहता हूँ। तो आपको कैसे अप्लाई करना, क्या क्या आपको एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रहेगा, कहाँ पर आपका प्लेस ऑफ पोस्टिंग हो सकता है, इसके फुल इन्फॉर्मेशन आप लोगों में वीडियो के द्वारा मैं शेयर कर दूंगा। सो प्लीज एक ही रिक्वेस्ट है, प्लीज आप लोग वीडियो स्किप मत कीजिए, वीडियो स्टार्ट से कर एंड तक वीडियो को देखिए। हमारा जो ऑफिशियल यूट्यूब चैनल है उसको तो प्लीज आप लोग जरूर सब्सक्राइब भी कर लेना और चैनल को जरूर आप लोग भी सपोर्ट कर लेना, ठीक है। सो अभी आप लोगों को मैं ये इन्फॉर्मेशन शेयर करना चाहता हूँ। जो हमारे चैनल में जो न्यू व्यूअर्स है उन लोगों में आप लोगों बोलो आप लोगों को कॉम्पिटेटिव एग्जाम का कोई बुक्स वगैरह नोट्स आप लोगों को खरीदना हो तो आप लोग हमारा जो ऑफिशियल यूट्यूब चैनल है उस चैनल में जाकर आप लोग जो कम्युनिटी पेजेस पेज में जाके आप लोगों को वेरियस डिपार्टमेंटल गवर्नमेंट जॉब्स का बुक्स वगैरह आपको मिल जाएगा। उस लिंक पर जाके आप डायरेक्ट बुक घर बैठे आप लोग बुक्स वगैरह बुक भी कर सकते हैं। आपको घर में आपको बुक्स वगैरह मिल जाएगा, सब लोग बड़ी चेपेस्ट प्राइस में आपको मिल जाएगा। सो आपकी मर्जी है, आप लोगों को पसंद आए तो ये अपने बुक्स वगैरह खरीदना नहीं है तो स्किप भी कर सकते हैं, ठीक है। तो चलते हैं, आपको ज्यादा ना सुना चलते हैं फिर शुरू करते हैं। सो यहाँ पर आप लोग देख ही सकते हैं आपको इंडियन एयरफोर्स के द्वारा आपका जो इंडियन एयरफोर्स इनवाइट आपका जो कैरी किया जाए, आप लोग मेल कैंडिडेट फॉर एपीआर रिक्रूटमेंट रैली फॉर्म को 1 फरवरी 2023 आपका जो जारी हो गया है। सो यहाँ पर आपका एयरमैन किसी का ग्रुप वाई जो नॉन टेक्निकल मेडिकल का असिस्टेंट ट्रेड का पेपर चेन्नई तमिलनाडु पेपर जारी होकर हो गया है। तो ये बार वो देख ही सकते हैं आपका जो जारी हो गया है। फॉर आपको जो मेन कैंडिडेट फॉर गोरखा फॉर सब्जेक्ट नेपाल इनवाइट आपको तमिलनाडु केरला आपको आंध्र प्रदेश तेलंगाना जो इंडियन एयरफोर्स एयरमैन ग्रुप वाई मेडिकल असिस्टेंट ट्रेड पे आपको पेपर, ठीक है। तो आपको डेट भी दे दिया है, फिर भी आप लोग देख सकते हैं आप लोग आपको 1 फरवरी से लेकर 2 फरवरी आपका ग्रुप ट्रेड आपको ग्रुप वाई का मेडिकल असिस्टेंट के द्वारा आपको एक बार एक्टिविटीज देना होगा। फिजिकल फिटनेस होगा आपको, रिटन टेस्ट रहेगा, एबिलिटी टेस्ट दिया जाए आपको, एडेप्टिविटी टेस्ट होगा एंड मेडिकल अपॉइंटमेंट को मिल जाएगा। सो ऑल डिस्ट्रिक्ट आपको ऑल डिस्ट्रिक्ट ऑफ स्टेट ऑफ तमिलनाडु केरला यूटी पुदुचेरी इंक्लूडिंग डिस्ट्रिक्ट टू बी कवर्ड। सो 4 फरवरी एंड 6-5 फरवरी ग्रुप वाई मेडिकल द्वारा सो कुछ आपको मिल जाएगा। फिजिकल फिटनेस रिटन टेस्ट एडप्टेबिलिटी टेस्ट मेडिकल अपॉइंटमेंट ऑल डिस्ट्रिक्ट फॉर स्टेट ऑफ द कर्नाटक तेलंगाना आंध्र प्रदेश 7 फरवरी 2023 से लेकर 8 फरवरी 2023। सो ग्रुप वाई की फॉर ऑल द डिस्ट्रिक्ट ऑफ स्टेट ऑफ तमिलनाडु केरला कर्नाटक तेलंगाना आंध्र प्रदेश यूटी एंड आपका पुदुचेरी फॉर इंक्लूडिंग अगन। द रिक्रूटमेंट शेल टेस्ट टू कंडक्टेड बाई 6 AM ऑनवर्ड फॉर डिटेल्स गिवेन ऑनली कैंडिडेट्स फुलफिल डोमिसाइल रिक्वायरमेंट मेंशन एट पेर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया कंडीशन रिक्वायर इंडियन एयरफोर्स स्टेशन अगर चेन्नई फॉर आपको रैली होगा इससे आपको मैं सुबह 10 बजे लेकर आपको 10 बजे पहले आपको ले जाएगा, ठीक है। सभी यहाँ पर देख भी सकते हैं सबका सिलेक्शन और नॉट बी सिलेक्शन कमिश्नर ऑफिसर पायलट नेविगेशन तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया भी यहाँ पर आप लोग देख ही सकते हैं। सबको मेडिकल स्टैंडर्स आपको दे दिया है, सो कहने शुड बी 27 जून से लेकर 27 जून 2006 सबको ऊपर बोथ आपको डेट ऑफ बर्थ सबको होना पड़ता है, ठीक है। सो मेडिकल असिस्टेंट विद आपको विद डिप्लोमा बीएससी फार्मेसी सो आपको अगर आपको अनमैरिड होना पड़ता है उसको इंस्ट्रक्शन दे दिया है। इसमें आपको एलिजिबल आपको एजुकेशन क्वालिफिकेशन को 10+2 इंटरमीट करना होगा विद फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी साथ इंग्लिश में साथ, ठीक है। और अगर आपको 50% मार्क्स आना पड़ता है मिनिमम 50% इंग्लिश में भी, और नहीं तो आपको 2 ईयर्स का आप लोग वोकेशनल कोर्स भी कर सकते हैं। इसमें फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी इंग्लिश एजुकेशन फी में 50% मार्क्स विद 50% आपको इंग्लिश में आना पड़ता है। कैंडिडेट्स विद डिप्लोमा बीएससी फार्मेसी इसमें आपको इंटरमीडिएट 1+2 कम्प्लीट करना हो फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी इंग्लिश मार्क्स साथ आपको इंग्लिश में एडिशनल डिप्लोमा फॉर बी एस सी फार्मेसी मिनिमम 50% रजिस्ट्रेशन फॉर स्टेट फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया PSI PCI, ठीक है। ये सबको ध्यान देना होगा जो जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को दिया है। सो और कुछ इंस्ट्रक्शन है डोमिसाइल रिक्वायरमेंट यहाँ पर ऑल इंडिया तो नहीं अप्लाई सिर्फ यहाँ पर जो आप लोग देख सकते हो स्टेशन चेन्नई द्वारा जारी किया है सिर्फ वही यहाँ पर जो डोमिसाइल है तो वही यहाँ पर अप्लाई आपका कर सकता है, ठीक है। और दूसरा है आपको जो यहाँ पर इंस्ट्रक्शन भी दे दिया है तो आपको ये भी आप लोग देख सकते हो इंस्टीट्यूट कैंडिडेट पासिंग क्वालिफाई एग्जामिनेशन
जियोग्राफी एडमिनिस्ट्रेशन डिस्ट्रिक्ट तमिलनाडु तेलंगाना कर्नाटक अभी आप लोग सर, सो प्लीज एक बार देख सकते हैं आप लोग। सो यहाँ पर आपको मेडिकल स्टैंडर्ड भी दे दिया, आपको हाइट वगैरह मिनिमम एक्सेप्ट हाइट 152.5 सेंटीमीटर, चेस्ट कितना होगा, वेट कितना होगा आपका, हेयरिंग डेल्टा आपको डेंटा ले भी आपको दे दिया है, भी आप लोग देख भी सकते हैं। सो मेडिकल स्टैंडर्ड ट्रेड इसमें कितना विजिबिलिटी आई होना हो सब कुछ यहाँ पर आपको दे दिया है। उसके बाद आपको जो कॉस्पोरेशन फॉर नार्कोटिक ड्रग्स फिजियोलॉजी सब्सटेंस ये भी आपको जीरो टॉलरेंस पॉलिसी आपको टू अल्कोहलिक सब्सटेंस से देखो फॉलोइंग इंडियन एयरफोर्स बॉर्डर टू कितना को होना पड़ता है। ऑनली सिक कैंडिडेट फॉर शेविंग टू फ्रेश फॉर कटिंग इसको भी पूरी इंस्ट्रक्शन दे दिए, तो ये भी आप लोग देख सकते हैं। दूसरे भी नीचे आप लोगों फॉर मटेरियल फॉर डॉक्यूमेंट क्या क्या को दे देना, भी पेंसिल इधर शार्पनर ग्लू स्टिक स्टेपलर ब्लैक ब्लू पेन फॉर राइटिंग पूरा ले जाना पड़ता है। क्या डॉक्यूमेंट्स करना होगा, वो ओरिजिनल फोर्ड सेल्फ अटेस्टेड फोटोकॉपीज मैट्रिकुलेशन पासिंग सर्टिफिकेट ओरिजिनल टू फोर्ड सेल्फ अटेस्टेड फोटोकॉपी 10+2, ठीक है। तो ओरिजिनल सेल्फ अटेस्टेड फोटोकॉपीज पासिंग सर्टिफिकेट ना मार्कशीट आप लोगों को, ओरिजिनल सेल्फ अटेस्टेड फोटो डोमिसाइल सर्टिफिकेट भी आपको ऊपर देना होगा अभी आपका। और एनसीसी देख सकते हैं एप्लीकेबल एबीसी ऑफ एनओसी फॉर ओरिजिनल सेल्फ अटेस्ट कैंडिडेट फॉर गवर्नर ऑर्गेनाइजेशन काम करते पहले से, तो कैंडिडेट डिस्चार्ज फॉर्म इंडियन आर्मी इंडियन नेवी इंडियन एयरफोर्स ओरिजिनल सेल्फ अटेस्ट फोटोकॉपी डिस्चार्ज कैंडिडेट को भी आप अप्लाई भी कर सकते हैं। उनका भी द्वारा कुछ सेक्शन वगैरह दे दिया है। सोते नीचे टेंचर ट्रेनिंग भी दे दिया है। सो यहाँ पर आपको इनिशियल पीरियड आपको इनरोलमेंट इनिशियल पीरियड आएगा 20 आवर्स, सब्जेक्ट टू सर्विस कंडीशन आप लोगों को मे बी एक्सटेंडेड अप टू एज ऑफ 57, सब्जेक्ट सर्विस कंडीशन इनिशियली सेंड बाय जॉइन मैसेज फीस आपको ट्रेनिंग फॉर डिजाइन बेसिस ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट फॉर जेबीटी आफ्टर सक्सेसफुल कॉम्पिटिशन ऑल स्टेज ऑफ ट्रेनिंग द एयरमैन फ्यूबी डिप्लॉयमेंट जॉब एज पर आई एन एफ रिक्रूटमेंट ट्रेड अलॉटमेंट शेल नॉट बी चेंज कंडीशन ए बी रिक्वायर्ड, ठीक है। सो कैंडिडेट विल नॉट बी परमिटेड स्टे विद द फैमिली ड्यूरिंग ट्रेनिंग पीरियड, सो आर मैरिड सर्टिफिकेट नॉट बी परमिटेड मैरिड सक्सेसफुली कंप्लीशन इन ट्रेनिंग। सो पे एन अलाउंस क्या मिल जाएगा फॉर ड्यूरिंग स्टाइपेंड 14,600 रुपये स्टाइपेंड पर मंथ मिल जाएगा आप लोगों को। आफ्टर ट्रेनिंग स्टार्टिंग क्रॉस आपको इनरोलमेंट स्केल आपको मिलिट्री सर्विस पे 26,000 रुपये पर मंथ एडिशनल डी अलाउंस सब्सिक्वेंट ईयर सब प्रोसेसिंग इंडिविजुअल दिया जाएगा। और क्या क्या सब सुविधा मिल जाएगा आप लोगों को, अदर अलाउंस मिल जाएगा, टीए मिल जाएगा, कॉम्पोसाइट पार्सल अलाउंस, लीव रेशन रेशन अलाउंस मिल जाएगा, चीज अलाउंस मिल जाएगा, एचआर मिल जाएगा आप लोगों को। फॉर हायर एजुकेशन कुछ इंस्ट्रक्शन दिया है आप लोगों को। और क्या क्या पार्क का पैर को मिल जाएगा, तो पार्क ऑफ द रेशन क्लोथिंग मेडिकल फैसिलिटीज अकाउंट सीएचडी कैंटीन लीव 30 डेज एनुअल इनकम आप लोगों को, कैलेंडर प्रोविंस सब्जेक्ट टू सर्विस एग्जेंप्शन सब लोगों को फैसिलिटीज मिल जाएगा, स्कूल गोइंग चिल्ड्रंस लीव एलटीसी मिल जाएगा, ग्रुप इंश्योरेंस मिल जाएगा आपको 55 लाख का प्रीमियम भरना होगा पर मंथ को आप लोग, आपको ये भी आप लोग देख सकते हैं आपको जो ग्रुप इंश्योरेंस होता है इस पे आप लोगों को मिल जाएगा आप लोगों को प्रीमियम के द्वारा, तो 32,000 पर मंथ आपको भरना पड़ता है। फॉर एयरमैन फैसिलिटी ग्रुप हाउसिंग सेम ऑल्सो भी एक्सटेंडेड, कुछ वेरिफिकेशन कुछ इंस्ट्रक्शन है ऐसे भी आप लोग देख भी सकते हैं ऐसे आपका। या फिर आपको रिटेन टेस्ट लिया जाएगा आप लोगों को, उसके द्वारा सिलेबस पूरा इंस्ट्रक्शन दे दिया आप लोगों को, टेस्ट वगैरह मेडिकल एग्जामिनेशन आपको कैसे होगा इसका भी पूरा इंस्ट्रक्शन दे दिया है, सब कुछ आपके ऊपर देख सकते हैं सब प्लीज सब लोगों को यहाँ पर, ठीक है। सो और भी है आप लोगों को आपको फॉर डिप्लॉय मेडिकल अनफिट अवेलेबल एपियर मेडिकल रिपोर्ट के द्वारा अनफिटनेस डिप्लॉय डिपोजिंग 40 रुपीज गवर्नमेंट टेस्ट में आपको देना पड़ता है आपको। पब्लिशिंग पीएसएल सो एयरमैन फॉर डिप्लॉयड सो एयरमैन सिलेक्शन सेंटर चेन्नई फॉर डिप्लोमा स्कूल लिया जाएगा, तो इस वेबसाइट पर जाके आपको इस वेबसाइट में जाके आपको अप्लाई करना होगा, जो भी इंस्ट्रक्शन इसके द्वारा में मिल जाएगा आप लोगों को, ठीक है। तो अभी वो इनरोलमेंट का भी इंस्ट्रक्शन दे दिया आप लोगों को, ये भी आप लोग चेक कर सकते हैं कुछ भी, और डाउट हो नहीं अगर इसे ईमेल से कांटेक्ट कर सकते, मोबाइल नंबर से इनसे भी तो कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो कुछ भी डाउट हो नहीं आता कमेंट सेक्शन जरूर बताना, आप हमको आपको भी आपको रिप्लाई भी कर देंगे। और आप लोग पीडीएफ और ऑफिशियल लिंक आप लोगों को मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन दे दूंगा, तो उस लिंक पर जाकर आप डायरेक्ट भी अप्लाई भी कर सकते हैं। कुछ भी डाउट हुआ आप लोग बताना, हम लोग रिप्लाई भी कर देंगे। चलते हो मैं सबके लिए बेस्ट ऑफ लक,
अगर आप लोग कुछ भी डाउट होता है कमेंट सेक्शन में बोल देंगे। तो चलता है, सभी के लिए बेस्ट है, सब लोग जो ध्यान दें, फॉलो कर देना। चलिए, जय इंडियन एयरफोर्स।